तो दोस्तों, चीन के बारे में कहावत कही जाती है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे चीन ने ठगा नहीं। भारत अपने सारे पड़ोसी देशों को यह समझाता रहता है, परंतु फिर भी कुछ नई सरकारें आ जाती हैं भारत के पड़ोस में, जो कि चीन की गुलाम होती हैं और चीन के इशारे पर अपने देश को बर्बाद करने से तक से पीछे नहीं हटती और अपनी जमीन भी चीन के हाथों खो देती हैं। अब आप सभी नेपाल का ही उदाहरण ले लीजिए। शायद नेपाल का हाल देखकर मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू को थोड़ी अकल आ जाए कि चीन ने नेपाल का क्या हाल कर दिया है। दरअसल चीन ने नेपाल को दिखाए बड़े बड़े सपने, साथ में लोन के दम पर नेपाल की एयरलाइंस के लिए 6 बने बनाए अपने एयरक्राफ्ट जो कि चीनी मेड थे, उनको नेपाल की एयरलाइंस को बेच दिया। और जैसे यह जहाज नेपाल की एयरलाइंस में गए, तभी से नेपाल की एविएशन इंडस्ट्री का बुरा वक्त शुरू हो गया और आज नेपाल की एविएशन इंडस्ट्री तबाह होने की कगार पर आ चुकी है, क्योंकि नेपाल के यहां पर जाकर इन चीनी जहाजों ने ढंग से काम नहीं किया। कभी ये जहाज के इंजन खराब हो गए तो कभी ये जहाज उड़ने के काबिल नहीं थे, जिससे तंग आकर नेपाल की एविएशन इंडस्ट्री ने सरकार से परमिशन मांगी कि हम इन जहाजों को बेचना चाहते हैं या फिर किसी देश को पट्टे पर देना चाहते हैं। परंतु कोई भी देश चीन के इन भंगारों को लेने को तैयार नहीं है। और स्क्रीन के ऊपर आप सभी इसका आर्टिकल भी देख सकते हो कि नेपाल की एविएशन इंडस्ट्री चीख चीख कर कह रही है अपनी सरकार से कि आगे आने वाले समय में अब कभी भी चीन के इन भंगार जहाजों को मत लेना, क्योंकि इनको सुधारते सुधारते हमारा पूरा देश बिक जाएगा और हमारी एविएशन इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी। फिलहाल में आप सभी को क्या लगता है, नेपाल से क्या इतना बड़ा सबक चीन की नई मोइजू सरकार को मिलेगा या फिर से मोइजू चीन के ही तलवे चाटेंगे? कमेंट बॉक्स में फिर आप स्थिति का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।